में टायर गोदाम में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत, 2 महिला और 3 बच्चे आग में झुलसे, 7 लोगों को बचाया गया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। वाराणसी डीएम कौशल राज और मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल को पीएम मोदी ने किया फोन, बाढ़ को लेकर दोनों अधिकारियों से जानकारी ली, काशीवासियों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सीएम योगी ने बधाई दी, जबकि सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी शुभकामनाएं दी। भूपेंद्र चौधरी लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं, पश्चिमी यूपी के बड़े नेता हैं, कल दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर बधाई देने वालों का लगा तांता, नाम के ऐलान के साथ ही शुरू हुआ जश्न, लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में भी बट रही मिठाई। सीएम योगी लखनऊ और कानपुर वासियों को बड़ी सौगात उन्होंने दी है, 42 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई, कहा ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक साबित होंगी। ओबीसी कोटे की नौकरियों की नहीं दी जा रही जानकारी, 48 विभागों ने अब तक नहीं दिया नौकरियों का कोई ब्यौरा, 2 दिन में सिर्फ 35 विभागों ने ही सरकार को दी जानकारी। यूपी में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने बैठक की, यमुना बेतवा नदियों से जुड़े जिलों के लिए सीएम योगी ने विशेष दिशा निर्देश दिए, कहा 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहे आपदा प्रबंधन की टीम। यूकी SSSC भर्ती घोटाले में दोषियों पर लगेगा गैंगस्टर, संपत्ति भी होगी कुर्क, सीएम धामी ने एसटीएफ को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। यूके SSSC भर्ती घोटाले में 23वीं गिरफ्तारी, पंतनगर विश्वविद्यालय का पूर्व अधिकारी दिनेश चंद्र गिरफ्तार, लंबे समय था प्रिंटिंग प्रेस में करता था काम। अल्मोड़ा में सालम क्रांति दिवस पर सियासत की अनोखी तस्वीर, बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर नजर आए, सीएम धामी के बगल में हरीश रावत बैठे। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी को बड़ी सौगात दी, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल विलेज का शुभारंभ किया। यूपी में 8 तीर्थों और 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर चलेंगी बसें, यूपी परिवहन विभाग ने संस्कृति विभाग को भेजी नामों की सूची। ज्ञानवापी केस में सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष का दावा, कहा धर्म की होगी जीत, मुस्लिम पक्ष के वकील शमीम अहमद ने कहा केस होगा खारिज। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी कटप्पा उर्फ सलीम गिरफ्तार, 2 और शातिर बदमाश मुठभेड़ में घायल। लखनऊ में लंपी रोग को लेकर टीम 9 का गठन, 7 मंडलों में 29 अगस्त से 30 सितंबर तक चला जाएगा विशेष अभियान। रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य, वर्दी न पहनने पर होगी कार्रवाई। माफिया मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित, लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया, अब्बास के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी, कोर्ट ने 25 अगस्त तक का दिया है वक्त। आतंकी सबाउद्दीन के गांव पहुंचे एटीएस, आजमगढ़ के मुबारकपुर में लोगों से पूछताछ की, आईएसआईएस से संपर्क और युवाओं का ब्रेन वॉश कर जिहादी बनाने की ट्रेनिंग देता था सबाउद्दीन। नोएडा में 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे गिरा जाएगा सुपर टेक ट्विन टावर, तैयारियों पर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस की बैठक में मोहर। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को आया होश, 15 दिनों बाद होश में आए राजू, सचिव गर्वित नारंग ने दी जानकारी। नोएडा के गालीबाग श्रीकांत त्यागी के समर्थन में मेरठ में हुआ अनिश्चितकालीन धरना, कमिश्नर अली पार्क में जुटा त्यागी समाज। ताजनगरी आगरा को सरकार ने दी सौगात, सीएम योगी ने 5 नई सिटी बसों का वर्चुअली लोकार्पण किया, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दिखाई हरी झंडी। रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जोरदार स्वागत, सीएमओ ऑफिस का निरीक्षण किया। आजमगढ़ जौनपुर मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा, एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद ड्राइवर फरार। अयोध्या में जाली नोटों के साथ 5 छात्र गिरफ्तार, 29,000 रुपए और 5 मोबाइल फोन बरामद, कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम की कार्रवाई। कानपुर के यशोदा नगर नाले में नजर आया करीब 8 फीट लंबा अजगर, अजगर देखने के लिए लगा लोगों का हुजूम, अजगर को पकड़कर वन विभाग की टीम ले गई अपने साथ। शाहजहांपुर में जीएसटी के एसआईबी ने व्यापारी कन्हैया होसरी के सभी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की, एसआईबी की छापेमारी से दूसरे व्यापारियों में हड़कंप मचा। शाहजहांपुर में पिज्जा का ऑर्डर देने गए डिलीवरी बॉय को गोली मारी, हालत गंभीर, बरेली रेफर किया गया। सीतापुर में एशिया प्रसिद्ध आंख अस्पताल में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन, डीएम अनुज सिंह ने आई बैंक सेंटर का उद्घाटन किया। फतेहपुर में आईआईटी कौशल विकास और सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन, 77 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया।
हाथरस जिले की थाना सादाबाद पुलिस ने एक महिला से हुई कैश की लूट की वारदात का खुलासा किया, दो लुटेरों को गिरफ्तार किया। अमेठी में खाना खाते समय युवक को लगा टेबल फैन से करंट, मौके पर हुई युवक की मौत। मुसाफिर खाना कोतवाली के पलिया चंदापुर गांव का मामला। जौनपुर में ट्रक पुलिया के नीचे पलटने से ट्रक में सवार 8 लोग घायल, मुंगरा बादशाहपुर सीएससी केंद्र पर भर्ती कराया गया। बागपत में हथियारों का प्रदर्शन करते हुए दो युवकों का वीडियो वायरल, लोगों में खौफ बनाने के लिए बनाई वीडियो, थाना चांदी नगर क्षेत्र का बताया वीडियो। जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, अस्पताल में गंदगी देखकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। अलीगढ़ नगर निगम के अधिवेशन में बढ़े हुए गृहकर को निरस्त करने के साथ 20% की छूट का समर्थन किया, बढ़े हुए गृहकर के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ ने प्रदर्शन किया। मथुरा में राधा अष्टमी की तैयारियों में जुटा प्रशासन, डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अमरोहा में भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जश्न, मिठाई बांटने के साथ आतिशबाजी की गई। सहारनपुर के देवबंद में चोरों के हौसले बुलंद, तीन घरों को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। कानपुर में दिल्ली हैंडलूम शोरूम में जीएसटी का छापा, मीडिया को देख बंद किया शोरूम, स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का मामला। संभल में स्कूटी सवार महिला को गिराकर रेप की कोशिश, मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बाइक सवार शोहदों की करतूत। चंदौली में सरकारी दफ्तर में शराब पीने का वीडियो वायरल, दफ्तर में जाम टकराते मोबाइल में कैद हुए सरकारी कर्मचारी। आगरा में दबंगों ने फास्ट फूड स्टॉल संचालक को पीटा, लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर संचालक की पिटाई की, कैमरे में कैद हुई वीडियो। अमरोहा के हसनपुर में एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप, महिलाओं ने युवक को जमकर पीटा। कानपुर में दबंग महिला ने पड़ोसी युवक को दौड़ाकर लाठी से पीटा, मामले विवाद के बाद युवक की जमकर पिटाई की। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी, अधिकारी बराबर ले रहे निर्माण कार्यों का जायजा। रामपुर में वन विभाग ने पकड़ा तेंदुआ, 15 दिन से थी तेंदुए की मूवमेंट। हाथरस के गांव नगला बादाम के पास अनियंत्रित होकर पलटी मैक्स गाड़ी, एक की मौत के घायल। रायबरेली में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी पर जानलेवा हमला, परिजनों और रिश्तेदारों ने मिलकर प्रेमी को आग लगाई। वाराणसी में ममता राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जान से मारने की धमकी, गाली गलौज के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ के केसरबाग बस अड्डे दे रहा हादसों को दावत, घनी आबादी वाले संकरे इलाकों से होता है बसों का संचालन। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, शरीर पर मिले चोट के निशान, पीए समेत 2 को किया गिरफ्तार। टिकटॉक स्टार बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत सवालों में उलझी, उनके भाई ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल किए जाने के आरोप लगाए। फोगाट मौत मामले पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, कहा कि गोवा के डीजीपी की देखरेख में हो रही जांच। वीएचपी ने दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी, 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द करने की मांग की, रद्द नहीं होने पर दी प्रदर्शन की चेतावनी। विधायक टी राजा फिर गिरफ्तार किए गए, चेरापल्ली जेल ले गई हैदराबाद पुलिस। पंजाब के मनसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार का कैंडल मार्च, मूसेवाला को इंसाफ दिलाने की मांग, अब तक नहीं पकड़ा जा सका है मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के हाथ लगी कामयाबी, 3 पाकिस्तानी घुसपैठ के ढेर, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास पर अहम बैठक, आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक में 56 विधायक शामिल हुए। विधायकों के लापता होने पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता, 44 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। केजरीवाल के आवास पर आप विधायकों की बैठक में 8 विधायक नहीं हुए शामिल, अलग अलग वजहों से बैठक में शामिल नहीं हुए विधायक। आम आदमी पार्टी की बैठक से पहले कई विधायकों से संपर्क नहीं होने की खबर आई सामने, मीटिंग के लिए कल सभी को किया गया था कॉल। शराब नीति पर सियासी शोर के बीच दिल्ली सरकार की अहम घोषणा, 26 अगस्त को बुलाया विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र। आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली में बीजेपी का 19 जगहों पर प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार से लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली में शराब नीति को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर खतरा, हेमंत सोरेन के लाभ के पद के आरोप पर निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को अपनी राय भेजी। सीएम हेमंत की विधानसभा सदस्यता पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी, माइनिंग लीज केस में पद के दुरुपयोग का आरोप।
पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में जस्टिस इंदु मल्होत्रा की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, पीएम की सुरक्षा में लापरवाही। पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक मामले में बड़ा खुलासा, पंजाब पुलिस के अफसरों और फिरोजपुर एसएसपी ने बरती लापरवाही। सीबीआई रेड पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा बीजेपी के तीन जमाई आईटी ईडी और सीबीआई, नीतीश का संकल्प 2024 में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी भरोसे के लायक नहीं। मध्य प्रदेश के मुरैना में बाढ़ से हाहाकार, गांव के गांव पानी में डूबे, 15 गांव के लोगों को एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के उदयपुर में पानी के तेज बहाव में एक कार बही, पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को बाहर निकाला। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, पानी के तेज बहाव में पति पत्नी लापता, तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के उदयपुर में लगातार बरस रहे बादल, पांच सितारा होटल के अंदर भी घुसा झील का पानी, हालांकि पर्यटकों को खतरा नहीं। राजस्थान के सीएम गहलोत का कोटा दौरा, बूंदी में सीएम ने किया हवाई सर्वे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राजस्थान के बारा में काली सिंध नदी उफान पर, ग्रामीणों ने ट्यूब की मदद से एक परिवार को सुरक्षित निकाला। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, 120 गांव बाढ़ की चपेट में आए, सेना और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी। नर्मदा में उफान के बाद पिलर में आई दरार, एमपी के खरगोन का बड़वाह पुल बंद, एहतियातन रोका गया ट्रैफिक। ओडिशा के पुरी में कई इलाकों में कम हो रहा बाढ़ का पानी, अभी भी कई गांव का संपर्क बाहर इलाकों से कटा, बनीकूड़ा गांव में राहत और बचाव कार्य जारी। जालौन में खतरे के निशान के ऊपर बह रही बेतवा नदी, बाढ़ की संभावना को लेकर डीएम ने किया दौरा। झांसी में बेतवा नदी के बीचों बीच टापू पर फंसे दो युवक रेस्क्यू में जुटी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी घोषणा, $1,25,000 से कम सालाना आय वाले छात्रों का स्टूडेंट लोन करेंगे माफ। महंगाई की जूझ जीते बांग्लादेश में और बढ़ा बिजली संकट, स्कूलों का वक्त एक दिन किया गया कम। यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहुंचे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, ज़ेलेंस्की के साथ कीव में टहलते हुए नजर आए। यूक्रेन में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर लिबर्टी मेडल, ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के समर्थन के लिए जताया आभार। रूस ने यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर दागी मिसाइलें, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूएनएससी की बैठक में किया दावा। थाईलैंड की अदालत में प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया फैसला, प्रयुत चीन ओचा को पीएम पद से किया गया निलंबित। भावुक होते हुए फिनलैंड की पीएम सना मारिन ने माफी मांगी, पार्टी करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। अफ्रीकी देश सूडान में बाढ़ से बदतर हुए हालात, 50,000 से ज्यादा घर हुए तबाह। चीन के कई शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, सूख रही फसलों को बचाने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए। उत्तर कोरिया से जारी तनाव के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। 27 अगस्त को यूएई में शुरू हो रहे एशिया कप से पहले एक्शन में टीम इंडिया, दुबई में जमकर की प्रैक्टिस। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले बाबर आजम और विराट कोहली की मुलाकात, मुलाकात के दौरान विराट ने बाबर के कंधे पर रखा हाथ। एशिया कप में टीम इंडिया के अंतरिम कोच होंगे बीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ के कोरोना नेगेटिव होने तक संभालेंगे जिम्मेदारी। विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी का भरोसा, कहा मैंने शॉर्ट सिलेक्शन सुधारा, 2014 में हुआ वो अलग बात हुई थी। नेक्स्ट में बुमराह के एक्शन की नकल करते दिखे हार्दिक पंड्या, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच ने छोड़ा पद, डेविड हैम्प ने कहा वो आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बढ़ाएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उम्दा प्रदर्शन के लिए शुभमन गिल को मिला फायदा, वनडे रैंकिंग में 45 पायदान का फायदा। फिल्मलाल सिंह चड्ढा भारत में फ्लॉप, लेकिन विदेशों में हिट हो रही, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 59 करोड़ कमाकर बनी हाइएस्ट ग्रॉसर। We'll be right back.